हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन। तो दोस्तों, आज एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। आज का जो अपना वीडियो है, तो मैं इसमें आपको प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा। तो बेसिकली किसके ऊपर करेंगे, जैसे मैंने ऑलरेडी फ्लिपटॉप कैप बनाया था, ऑलरेडी मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग का वीडियो भी दिखाया हूँ। जैसे मेरा यहाँ पे फ्लिपटॉप कैप है, डबल इंजेक्शन मेथड से बनाया, तो इसकी जो हम आपको सीएनसी करेंगे। तो मैं बेसिकली कोई भी एक आपको प्लेट करूंगा, देखते हैं कौन सी टफ है। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे जो मेरा प्लेट है वो है, तो इसको जो है हम सीएनसी करेंगे। तो बेसिकली आप देख लो, मैं आपको दिखा रहा था, ऑलरेडी इसकी वीडियो है कैसे हमने इसकी ऑपरेट किया था, कैसे इसकी पीस निकाला था। तो ऑलरेडी मैं वीडियो डाल के रखा, वो आपको मिल जाएंगे। फ्लिपटॉप कैप सर्च कर लो आप मेरे नाम से, सीएम डिजाइन करके, तो आपको मिल जाएंगे। तो इसमें आज हम इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस फाइल को पैरासोलिक फाइल बनाऊंगा, फिर बना के मैं इसको पीजी में ले जाऊंगा। तो आज जो प्रोग्रामिंग बनाऊंगा, ऑलरेडी मैं आपको मास्टर केम के ऊपर बहुत सारे वीडियो बना रखा हूँ। जिसको भी प्रोग्रामिंग सीखना है वो कांटेक्ट करे, ऑलरेडी मैं इस तरीके से प्रोग्रामिंग सिखाता हूँ। और जितना भी सीएनसी लेवल में प्रोग्रामिंग होते हैं, जो भी प्रोग्रामिंग करता हूँ मैं खुद ही करता हूँ। अगर आपको उस लेवल में सीखना है, इंडस्ट्री लेवल में सीखना है, तो आप नीचे के नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसमें मैं और एक चीज बताना चाह रहा हूँ, अगर किसी को जो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है वहाँ पे सीएम डिजाइन सर्च करें, क्योंकि वहाँ पे मेरा जो लेटेस्ट अपडेट वगैरह होती है वहाँ पे मैं शेयर वगैरह करते रहता हूँ। क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें होती है जहाँ पे सोशल मीडिया पे हम शो नहीं कर पाते हैं। जो लोग मेरे से ऑलरेडी जुड़े हुए उन लोग को पता है अपना कैसा काम होते रहता है। तो जिसको भी इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया, जिसको भी अपडेट वगैरह सही है, वहाँ पे मैं जॉब वैकेंसी वगैरह भी डालते रहता हूँ। तो वहाँ पे जुड़े पक्का, वहाँ पे आपको बहुत कुछ चीज़ें ऐसे मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मेरा जो ये फाइल है इसको मैं पैरासोलिक में एक्सपोर्ट कर लूंगा, ठीक है। तो इसमें मैं वर्जन जो है थोड़ा सा कम कर लूंगा। तो इसको मैं एक नया न्यू फोल्डर बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ और इसको मैं हम पीजी सॉफ्टवेयर में करेंगे, तो भी पीजी से नाम इसको लिख दिया है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख दूंगा कोर, ठीक है। तो ये मेरा हो गया कोर प्लेट, इसकी हम करेंगे प्रोग्रामिंग। तो इसको मैं सबसे पहले जो है सेव कर लिया। अब मैं इसको आपको पीजी में ओपन करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों, जैसे मेरा यहाँ पे ओपन हो गया है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अब फाइल में जा सकते हो, जाके यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है जो भी मेरा फाइल है, जो भी मेरा एक्सटेंशन है। मैंने ऑलरेडी पैरासोलिक में सेव किया हूँ। अगर आपको IGS में चाहिए, STL में चाहिए, स्टेप में चाहिए, आप उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे पैरासोलिक लूंगा। तो सबसे पहले जो मेरा फाइल था, जो भी मेरा फाइल डेस्कटॉप में था, तो इसको मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लूंगा। तो मैं यहाँ पे वीजी नाम से किया था कोर प्लेट, तो इसको मैं जो है यहाँ पे मेरा जो प्लेट है तो मैं इसको ले आया। तो इसका हम जो है शेडेड व्यू देखेंगे। तो यहाँ पे आप इस तरीके से जाके शेडेड व्यू देख सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है इसके अपने को साइज निकालना होती है, मतलब मेरा जो प्लेट है कितना साइज का है, कि हम यहाँ पे क्रॉस चेक करते हैं। तो इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, स्विच में जाएंगे। तो यहाँ पे स्विच में जाके आपको, ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा। स्विच के बगल में आपका जो यहाँ पे मिलेंगे क्वेश्चन वाली, तो वहां पे जाना है। जाके आपको यहाँ पे बाउंड्री बॉक्स लेना है, ठीक है। तो बाउंड्री बॉक्स लोगे तो यहाँ पे जो आप जो बॉडी सिलेक्ट करोगे, कितना आपका एक्स वाई जेड कितना आ रहा है, यहाँ पे आपको सारा चीजें मिल जाएंगे। तो इसको हम ओके कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है हम इसकी साइज वगैरह देख सकते हैं। तो अपने को दोस्तों, जैसे अपने को साइज मिल गया, तो हम इसकी जो है बाउंड्री बॉक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो बाउंड्री बॉक्स लेने के लिए हम अपने को करना कुछ नहीं, यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ड्रॉ जो बाउंड्री बॉक्स है इसको आप ओके करके ओके कर देना है। तो आपको जो है बाउंड्री बॉक्स यहाँ पे मिल जाएंगे। अब मेरा क्या है, आप जैसे देख पा रहे हो, मेरा जो प्लेट है एक्चुअली लाई होना चाहिए एक्स वाई में, तो अभी मेरा क्या जेड की अलोंग है। तो इसको मैं क्या करूंगा, सेंटर पे लाऊंगा। तो सेंटर लाने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो दोस्तों अभी मेरा यहाँ पे हो गया है, तो इसको हम जो है सेंटर पे पोजिशनिंग करेंगे। तो मेरे को यहाँ पे रोटेशन में जाऊंगा, ठीक है। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा सबसे पहले, ठीक है। जैसे सिलेक्ट करोगे उसके बाद आपको इसकी पॉइंट सिलेक्ट करना है, ठीक है। पॉइंट सिलेक्ट करने के बाद इसको कौन सी डायरेक्शन में लेना है, वहाँ उसकी जो है आपको फैक्टर सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रीव्यू में, जो मैंने ऑलरेडी 90 डिग्री दे रखा हूँ, तो यहाँ पे आप डिग्री देके आपको प्रीव्यू करके देख सकते हो, फिर ओके कर देना है। तो जैसे देखोगे मेरा जो है यहाँ पे एक सॉइल में हो गया है। अब अपने वो करना क्या है, तो अभी सबसे पहले इसको हम सेंटर पे लाएंगे। तो सेंटर पे लाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, फाइल में जाऊंगा मैं, ट्रांसलेशन में जाऊंगा। इसमें क्या होती है, एक्चुअली मूव होते हैं ऐसी कोई चीज़ें, मूव वगैरह कर सकते हो। तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं जाके, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आप देख पाओ। तो इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, और इसकी जो एंड पॉइंट है और इसकी जो आपकी स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इसमें क्या मिलेगी, मेरे को सेंटर पॉइंट मिल जाएगी, ठीक है। और उसकी पॉइंट, जो इसकी सेंटर पॉइंट है, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे रेड हाईलाइट हो रहा है, और यहाँ पे जैसे मेरा यहाँ पे आप देख पा रहे हो इंसर्ट द पॉइंट कोऑर्डिनेट, इसको क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, एब्सोल्यूट कर देना है, और इसको ओके कर देना है आपको। जैसे ओके करोगे ये ऑटोमेटिकली आपका सेंटर पे आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से जो है आप इसको सेंटर पे ला सकते हो।
तो दोस्तों जैसे मेरा यहाँ पे ऑलरेडी पोजीशनिंग हो गया है, बट कभी कभी क्या होती है कहीं पे कुछ गलती हो जाती है, तो हम इसको कैसे वेरीफाई करेंगे? तो इसके लिए मैं एनालिसिस में जाऊंगा, तो उसके बाद जाऊंगा मैं सरफेस एनालिसिस, ठीक है। उसके बाद क्या करना है अपने को, इसकी जो एस पॉइंट है, जैसे यहाँ पे आप एस पॉइंट सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे कितना आ रही है, 190 आ रही है इधर से, मतलब सेंटर से, और इधर से भी आपको सेम आना चाहिए, जैसे यहाँ पे भी 190 आ रही है, तो दोनों तरीके से आपको ये देखना है कि इक्वल आए। तो यहाँ पे जैसे 190 आ रही है, तो 190 वाई में भी आ रही है, तो ये आपको यही देखना है कि हमेशा ये इक्वल आए, अगर कहीं पे कम आ रहा है कहीं पे ज्यादा है तो आपका सेंटर सही नहीं है। तो इस तरीके से इसको जो है आप फाइनल एनालाइज कर सकते हो। हमेशा जब भी प्रोग्रामिंग करो, जो लोग ऑलरेडी टूलरूम वगैरह में काम कर रहा है, जो प्रोग्रामिंग करता है उसको पता होगा, जो भी लोग जो प्रोग्रामर लोग हैं जो ऑलरेडी मेरा वीडियो देख रहे हैं, वहाँ निश्चय अपना कमेंट में डाल दे कि हाँ आप भी प्रोग्रामिंग करते हो। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं फिजी में। तो ऑलरेडी मैं मास्टर के में डाल रखा हूँ, तो आज मैं चाहता हूँ कि आपको फिजी में डालू, तो आज इसलिए मैं फिजी में कर रहा हूँ। तो इसको मैंने आइसोमेट्रिक कर दिया, इसके लिए आप F4 दबा सकते हो, FN दबा के F4 फंक्शन की होती है शॉर्टकट। अगर आपको शॉर्टकट चाहिए नीचे अपना ईमेल आईडी डाल देना, मैं इसकी शॉर्टकट दे दूंगा। और जिसको भी ये सीखना है अच्छे लेवल में, इंडस्ट्री लेवल में सीखना है, वो कॉन्टेक्ट करें, ठीक है दोस्तों। तो अभी अपने पास सब कुछ सेट हो गया है, अभी अपने को क्या देखना है, मेरा जो प्लेट है, जो मेरा कोर प्लेट है, इसमें मैं मिनिमम कितना कटर चलाऊंगा। तो मेरे पहला जो मैं एनालाइज करूंगा, मैं कितना कटर मेरा मिनिमम चलेगा, तो सबसे पहले हम वही एनालाइज करेंगे। तो मैं एनालिसिस में जाऊंगा, तो सेकंडली मैं यहाँ पे जाऊंगा सरफेस एनालाइजर पे, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, जहां पे भी रेडियस देखो, जो आपको कम से कम रेडियस दिखे। देखो कुछ कुछ चीजें में तो आपका इलेक्ट्रोड चलेगा, जैसे यहाँ पे आपको कितने का आ रही है मेरा रेडियस, आप यहाँ पे देख पा रहे हो 1.524 आ रही है, ठीक है। तो इसमें ऑलरेडी श्रिंकेज ऐड हो रहा है, तो 1.5 के अराउंड आएंगे, तो यहाँ पे मेरा 3 का कटर चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखेंगे मेरा मिनिमम जो है कितना कटर चलेगा और किस जगह में चलेगा, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे जैसे मतलब स्लॉट है, राउंड है, तो इस केस में मैं कितना कटर चलाऊंगा, बाहर मेरा कौन सी कटर चलाऊंगा, कौन सी कहाँ पे एनमिल चलाना है, कहाँ पे फ्लैट बॉल चलाना है, तो आपको देखना पड़ेगा किस अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप जो है हम एक चीजें जो है एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली देख लिया, अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हो अपने कॉपी में, कैसा आपको करना है। अगर इसको भी अगर फिजिक्स ऑफ द चाहिए, नीचे कमेंट में अपना मेल आईडी डाल दो, क्योंकि मैं डायरेक्ट शेयर नहीं कर पाऊंगा, तो अपना मेल आईडी डाल देना, वहां पे मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हो आप। तो दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, इसकी हम प्रोग्रामिंग में जाएंगे। तो सबसे पहले जो है मशीनिंग में जाना है, कैम नेविगेटर में जाना है। इससे क्या होगा, कौन सा ऑपरेशन करोगे वो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे जो हम राइट क्लिक करेंगे, ऐड मॉडल करेंगे, तो अपने मॉडल में हमेशा यहाँ पे पीस ही रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम ना फाइनल पीस में कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस नहीं करना है, टॉलरेंस वगैरह इतना ही रखना है, ठीक है, ओके कर देना इसको। जैसे आप ओके करोगे, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मेरा अलग से एक बॉडी आ जाएगी, उस बॉडी को हम सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे उसको जैसे कैंसिल कर दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सारा चीज आपको अलग से खोल के आ जाएंगे। तो आपको इसी तरीके से करना है, अगर आपको वीडियो को पॉज करना है, पॉज करके काम करना है तो कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको ऑपरेशन में जाना है। अभी मेरे पास कोई ऑपरेशन है नहीं, तो मैं यहाँ पे ऐड प्रोजेक्ट करना है आपको, ठीक है। अभी यहाँ पे इसका प्रोजेक्ट का नाम क्या है, मेटल क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे ENA यूज कर रहा हूँ, है ना, पीस मेटल आपको कौन सी यूज करना है, उसके अकॉर्डिंग जो है कुछ कुछ डाटा आपका सेट होगा, क्योंकि ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में हम कुछ कुछ चीजें डाल के रखे हैं। अगर आपको अपने हिसाब से P20 यूज करना है, या आपको अगर जो भी मेटल यूज करना है, आपको T45 यूज करना है, MS यूज करना है, जो भी यूज करना है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हम इसको ओके कर लेते हैं। जैसे आप ओके करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे नीचे जो है टूल क्लिप वगैरह लिख के आएंगे आपको, तो आपकी लोकल लाइब्रेरी है, तो आपको यहां तक पहले लाना है आपको। तो दोस्तों अभी हम इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो अपना विंडो भरा हो जाएगा, फिर मैं यहाँ पे जाऊंगा बाउंड्री बॉक्स में। तो बाउंड्री बॉक्स लेने का तरीका मेरा इसलिए है, यहाँ पे ड्रॉ बाउंड्री ऑन करना है, कि अब जो प्रोग्रामिंग चलेंगे इस बाउंड्री के अंदर ही चलेगा, और यहाँ पे हम जो है क्लोज प्रोफाइल करेंगे। देख लो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे रेक्टेंगल ले रहा हूँ, जैसे मैं इसी एरिया में मेरे को काम करना है, ठीक है, तो इसी बाउंड्री में मेरे को काम करना है, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे इसी एरिया में मेरे को काम करना है। इसकी एक अच्छी बात है कि आप यहाँ पे ना क्लोज बाउंड्री में काम कर सकते हो, कोई आपके सरफेस में काम करने का जरूरत नहीं, आप सॉलिड बॉडी में भी बढ़िया काम कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ऑन कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें एक और एक ध्यान रखना है, मान लो मैं यहाँ पे 50 का कटर चलाऊंगा, तो यहाँ पे जो कोई कोई बॉडी होते हैं ना, कभी आपको बाहर में काम करना पड़ता है, मतलब इसकी कॉन्टूरिंग में काम करना पड़ता है, जैसे इस एरिया है मुझे बाहर बार काम करना होती है ना, तो इस एरिया में हम क्या इसकी ऑफसेट लेते हैं, तो इसको हम ऑफसेट, जब भी हम इसकी ऑफसेट लेते हैं ना, अब जितना का आपका टूल चलना है, जैसे यहाँ पे प्रोफाइल ऑफसेट है, तो इसका हम जितने का भी टूल चलना है इसका हम हाफ लेंगे। अब वो क्यों लेंगे हाफ, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि कुछ कुछ चीजें होती है तो
तो हम अगले वीडियो में जैसे जैसे हम थोड़ा सा टिपिकल में जाएंगे वो चीजें डिस्कस करते जाएंगे। अगर आपको उस लेवल में सीखना है तो आपको कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करें, तो यहाँ पे जाके मैं एयर ऑपरेशन कर दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप का ऑपरेशन मिलेंगे, किसमें आपको काम करना है। तो मैं क्या करूंगा, 3D ऑपरेशन में जाऊंगा। तो सबसे पहले अपना रफिंग चलेगा, तो यहाँ पे मैंने इसको रफिंग को ऑन कर दिया है। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे रफिंग ऑन करोगे तो आपको यहाँ पे टूल मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, मैन्युअली टूल सेलेक्ट करेंगे। तो आप में हम HSS का टूल लेंगे, कौन से टूल चलेगा आपको। यहाँ पे बॉल लेना है, हमने बॉल नोज ले लिया। डायमीटर जो है हमें 50 का ले लिया, ऑलरेडी बोला आपको 25 को आप ऑफसेट रखने के लिए। जो सन डायमीटर होगा 250 होगा, और जो कॉर्नर रेडियस मारूंगा 2.5। और यहाँ पे आपको कौन सी लेना है, कार्बाइड का लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ओके कर देंगे। जो भी टूल लोगे तो इसकी जो है सारा आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो हम कटिंग पैरामीटर में चलते हैं। कटिंग पैरामीटर में यहाँ पे कौन सी चलानी है, रफिंग चलानी है ना। बाद में फिनिशिंग करें, पहले रफिंग है। तो स्पिंडल स्पीड हम क्या करेंगे, 1000 रखेंगे। एंट्री फीड जो है 3000 दूंगा मैं। और यहाँ पे फीड mm पर मिनट 1500 में चलेंगे। जो मेरा एग्जिट फीड है 1500, ये जो मैं आपको स्टैंडर्ड बता रहा हूँ, सारा कंपनी लेवल में स्टैंडर्ड रखा है। तो जो भी डाटा है उस अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो। और कुछ कुछ चीजें होती है जो हम डिटेल क्लास में, जो पेड क्लास होती है उसमें हम डिस्कस करते हैं। फिलहाल जो है मैं पेड क्लास ही है जो आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो इसको हम ओके कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो जो मेरा पीस है इसको हम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसको हम ओके कर लेना है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे आप इसमें देखोगे यहाँ पे मेरा सेटअप आ गई है, जो मेरा रफिंग हो रहा है इसको हम राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको देख पाओगे जो साइज अलाउंस कितना रखना है, कुछ हम अलाउंस रखना पड़ता है। तो हम यहाँ पे 0.3 का अलाउंस रखेंगे। ठीक है, तो इसको ऑन कर लें, ध्यान रखना है। और जो यहाँ पे स्टेप डाउन है तो आपको पता है यहाँ पे 0.5 काफी होती है, क्योंकि 50 का काटा चला रखा हूं मैं। और यहाँ पे जैसे हम डिटेल में आएंगे तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप लिमिट वगैरह डाल सकते हो, टॉलरेंस वगैरह डालना है तो आप डाल सकते हो, जैसा भी आपको चाहो। तो मैं इसको ओके कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद अगर लिंक में फिर भी आपको, जैसे आप देख पा रहे हो 50 का मैं चला रखा हूँ, तो यहाँ पे आप दिखा रहे हो अवॉइड स्मॉल पॉकेट। तो दोस्तों एक मैं आपको अच्छा नॉलेज दे देता हूँ, इसमें आपका काम का चीज है, जो चीजें है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो पॉकेट साइज, इसमें हम क्या करते हैं अवॉइड साइज को हमेशा ऑन रखना है आपको। क्यों ऑन रखना है, जैसे मैं यहाँ पे कितने का चला रहा हूँ बॉल, आप देख पा रहे हो मैं 50 का चला रखा हूँ। तो 50 में क्या होती है, 87.33 में पॉकेट होता है, इस पॉकेट में ही चल जाएगा। अगर इसको मैं ऑन नहीं रखूंगा, क्योंकि मैं बॉल चला रहा हूँ, बीच में मेरा खाली हो जाती है। अगर इसको मैं ऑन रहना ऑफ कर दूंगा तो क्या होता है, मेरा टूल तो बीच में खाली है तो टूल खराब होने का चांस रहता है। तो इस केस में आपको हमेशा इसको ऑन रख के काम करना है। ये आपको क्या करेंगे, सेफ्टी के लिए, आपका टूल टूटने का चांस नहीं है, आपका सेफ्टी के लिए बहुत सही है। तो यहाँ पे हम लीड में जाएंगे, तो हेलिकल लेना है आपको, रैंपिंग लेना है, जो भी मूव है आपका हम रैंपिंग से काम करेंगे। तो यहाँ पे क्लियरेंस में हम क्या रखेंगे, सेफ्टी डिस्टेंस रखेंगे कुछ, अगर आपको सेफ्टी डिस्टेंस रखना है। ठीक है, और यहाँ पे हम कुछ मान लो 5 mm रख देते हैं। यहाँ पे जैसे हॉरिजॉन्टल है, एक्सेल लेना है, वर्टिकल लेना है, आपको मर्जी है ये तो। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम जो पार्टिकल रेडियस है 1 mm काफी है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल की जगह हम पार्टिकल ले लेंगे, पार्टिकल रेडियस जो है 1 mm काफी होती है, और इसको हम ओके कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जो ये ओके हो जाएगा, फिर इसको हम जो है राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे, और इसको हम कर देंगे बिल ऑपरेशन। तो बिल ऑपरेशन में आपको थोड़ा सा टाइम लगेंगे इसको होने में, ये जो भी प्रोसेस है ये आपका सिस्टम एक बार रीड करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक ऐसे वीडियो बनाने में जो प्रैक्टिकल चीज़ के ऊपर हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। और जिन जिन जो आपको पेड क्लासेस वगैरह लेना है वो नीचे मेंशन नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, कॉल व्हाट्सअप आप कर सकते हो। और किसी को अगर फाइल चाहिए या किसी को आपको फिजिक्स सीखना है, सॉफ्टवेयर लिंक चाहिए, तो नीचे अपना कमेंट सेक्शन पे अपना मेल आईडी डाल दे। और जो लोग मेरे इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं वो इंस्टाग्राम में जुड़ जाए, वहाँ पे मेरा लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या, मेरा अपडेट है, कौन से काम चल रहा है, तो वहाँ पे मैं डालता रहता हूँ, तो वहाँ पे आपको सीखने को अच्छा मिल जाएगा। किसी को जॉब वैकेंसी वगैरह चाहिए तो इंस्टाग्राम आईडी में चले जाए, CM डिजाइन सर्च करें इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे सारा अपडेट आपको मिल जाएगा। सारा जो भी मेरा लेटेस्ट अपडेट होती है वहाँ पे मैं डालते रहता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस तरीके से वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और कमेंट सेक्शन में आपको अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दो। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑलरेडी ये वीडियो बन गई है, तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको बनाऊंगा, नेक्स्ट वाली पोर्शन को इसमें मैं 3 सेक्शन में खत्म करूंगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, वीडियो को पूरा देखना, नेक्स्ट वीडियो को आपको देखना है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक टेक, बाय बाय, जय हिंद।